खेला करते थे तो पापा मतलब मना करते थे खेलने को, के साथ में काम करना ही, मतलब पापा ने बोल दिया था कि छोड़ दो क्रिकेट, घर में थोड़ा हालत खराब है तो भैया के साथ जॉब कर लो, वो मतलब पोंछे लगाने की जॉब मिलेगी, मतलब तो आप सुबह करके निकल जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगी। मम्मी भी यही बोलती थी कि बेटा आईपीएल तो सभी खेलते हैं, तो इंडिया के लिए मेहनत करो। मम्मी को बताया कि टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया तो वो भी खुश थी। मेरा टी शर्ट हाथ में ली तो वो लोग होता जो चूमा मैंने। इंडियन क्रिकेट की नई सनसनी, विश्व क्रिकेट का नया सिक्सर किंग, नाम है रिंकू सिंह। एंड गेस व्हाट, रिंकू आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिंकू भाई। थैंक यू सर। कैसे हाल चाल आपके? बढ़िया, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। रिंकू भाई ये बताओ, सबसे पहले तो यार इतने मेहनत के बाद, इतने सालों के बाद जो सपना साकार हुआ है आपका, टीम इंडिया तक आप पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको? क्या फीलिंग्स है? नहीं, काफ़ी अच्छी फीलिंग थी सर, क्योंकि मम्मी भी यही बोलती थी कि बेटा आईपीएल तो सभी खेलते हैं तो कभी मतलब तो इंडिया के लिए मेहनत करो, और वो उनका सपना ये यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, और वो सपना पूरा हो गया सर। और जब मैं जब मुंबई गया था मैं, तो वहाँ जब देखा तो मेरी जर्सी रखी हुई थी वहाँ रूम में, तो जब मैंने देखा 35 नंबर और वो जर्सी और BCCI का वो लोगो, तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ सर, मतलब अब सपना पूरा हो गया मम्मी का और मेरा। मेरा टी शर्ट हाथ में ली तो वो लोगो था जो चूमा मैंने, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी सर। लोगों को छुआ आपने, बहुत अच्छा लगा होगा दिल से। मम्मी को कॉल किया, बात हुई? हाँ, जब सिलेक्शन हुआ था टीम इंडिया में तो मम्मी को कॉल करा था, फिर मैंने मम्मी को कॉल करी वीडियो कॉल, और दिखाया मैंने, देखो मम्मी जर्सी है जी टीम इंडिया की, तो काफ़ी खुश थी मम्मी। आंसू आ गए होंगे आंखों में? हाँ, मैं तो थोड़ा इमोशनल हो गया था, मैं मतलब मैंने उसे चूमा लोगों को, वो लोगों जो था, तो काफ़ी अच्छा लगा था। शुरू से शुरू करते हैं फिर, अब टीम इंडिया में तो आप आ ही गए हैं, वो सपना साकार हो ही गया है। बहुत संघर्षों से भरी ही रही आपकी ये ज़िंदगी और ये टीम इंडिया तक का सफ़र, शुरू से बताइए। पहले आपने आपको क्रिकेटर बनने की चाहत किसको देखकर पैदा हुई, कैसे आपने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा? नहीं, हम पांच भाई हैं घर में, तो हम ऐसे खेला करते थे नॉर्मली, तो हम जैसे लेदर बॉल हुआ करता था तो उससे भी खेलते, टेनिस बॉल से भी खेलते, काफ़ी इंटरेस्ट था। पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, खेल पढ़ने में तो गेम में ज़्यादा था क्योंकि, और मतलब जब खेला करते थे तो पापा मतलब मना करते थे खेलने को, कि साथ में काम करना ये वो बहुत सी चीज़ें कहते थे, तो और हम करते नहीं थे, हम जाते थे खेल के आते थे तो पापा बैठे रहते थे डंडा लेके मारने के लिए, तो मतलब इतना सपोर्ट नहीं था शुरू से। थोड़ा बहुत मम्मी सपोर्ट करती थी, जब मैं एक ही स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ से मुझे लोग आए थे बुलाने, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ तो वहाँ से जिनकी टीम थी भैया की, जादौन, वो अर्जुन सिंह फकीरा नाम है उनका, तो उनकी टीम थी, तो वहाँ से मतलब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी मेरी। कब की बात है, किस क्लास में होंगे? मतलब 2010 की बात है जब मैंने क्रिकेट स्टार करी थी, तो बीच में भी ऐसा आया था कि एक टाइम मम्मी ने बोल, मतलब पापा ने बोल दिया था कि छोड़ दो क्रिकेट, और जो मेरा भैया काम करता था कोचिंग सेंटर में, तो मैंने पहले ही बताया कि वो मम्मी ने बोला कि मतलब घर में थोड़ा हालत ख़राब है तो भैया के साथ जॉब कर लो, तो मैं जब गया, पैंट शर्ट पहन के गया था, मुझे लगा अच्छी जॉब मिलेगी, तो मुझे वहाँ जाके बोलते हैं कि आप मतलब पोंछे लगाने की जॉब मिलेगी, मतलब तो आप सुबह करके निकल जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगी, तो मतलब वो काम पसंद नहीं आया, तो मुझे मैं यही सोच रहा था कि मैं उसके चक्कर में, मैं क्रिकेट के चक्कर छोड़ रहा हूँ इसके चक्कर में, तो मैंने मम्मी से बोला कि क्रिकेट पर फोकस करता हूँ और क्रिकेट ही खेलता हूँ। फिर मम्मी ने फिर वो राज़ी हुई? हाँ, मम्मी तो राज़ी हो गई थी, मेरे पापा। जब आप बता रहे हैं कि घर की स्थिति वाकई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आप चार भाई बहन हैं, तो जब ये जॉब आपने ठुकराई और आप माँ के पास गए, तो आपने खुद तो बताया होगा ना कि माँ कैसे करेंगे, फिर माँ ये भी सोचेंगे कि भाई आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी अगर तू नौकरी नहीं करेगा, क्या हुआ था? नहीं, मम्मी को थोड़ा बहुत कहीं उम्मीद थी मुझसे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब वो सपोर्ट करती थी थोड़ा बहुत, जैसे मुझे कहीं जाना होता था बाहर खेलने टूर्नामेंट, तो किसी से मतलब दुकान से पैसे उधार लेके दे देना, बैट दिलाना, तो मुझे कहीं ना कहीं होप था कि मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती हैं, तो उनको भी ये था कि कुछ कर सकता है, तो इसलिए मम्मी ने सपोर्ट किया। तो जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जैसा कि सब जानते हैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं भी जब छोटे में खेलता था तो क्रिकेट किट का ही बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, एक्सपेंसिव होती थी, और उसी का जुगाड़ नहीं हो पाता था कई बार, तो मैंने भी बोरो की है सीनियर से। आपके साथ क्या हुआ, किसने क्रिकेट किट दिलवाई और कैसे धीमे धीमे चीज़ें बनी, कंप्लीट कैसे हुई क्रिकेट किट? जब शुरुआत करी थी मतलब लेदर बॉल से खेलना, तो अच्छा खेलता था सर शुरू से,
पहला मैच जब मैं खेला लेदर बॉल से 54 रन करे, मेरा इंटर स्कूल टूर्नामेंट था, तो लोगों ने देखा फिर सपोर्ट करने लग गए। एक नाम है मोहम्मद जीशान, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हर चीज़ से, कपड़ों से या जो भी सामान हो। और जो मेरे कोच है मसूद अमीनी, बहुत लोग हैं उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, अनिल भैया हैं एक, और जो अर्जुन सिंह फकीरा, तो इन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। और एक है सौपिल जैन, उन्होंने भी काफ़ी सामान दिलाया मुझे, हर चीज़ से हेल्प की उन लोगों ने। तो जब आपका सिलेक्शन सबसे पहले आईपीएल में हुआ, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको आईपीएल मिला? नहीं, मैं पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यूपी को, क्योंकि उन्होंने 2012 में मतलब मैं सिलेक्ट हुआ ये टीम मतलब यूपी के लिए। मुझे दो साल तक तो पता नहीं था स्टेट क्रिकेट क्या होती है, तो मैं ऐसे ट्रायल देने जाता था और कट जाता था ट्रायल में। तो मैं यूपी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज जो भी उनकी, अगर मैं स्टेट क्रिकेट नहीं खेलता तो यहाँ तक नहीं आता। जी सही बात है, फिर आप वहाँ परफॉर्म नहीं करते, फिर आगे कैसे आपको कोई फ्रेंचाइजी लेती? अच्छा, जब पहली बार आपको फ्रेंचाइजी का कॉल आया, क्या फीलिंग थी? और जब आप वहाँ गए तब क्या हुआ, कुछ वो एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैं आईपीएल में मतलब गया था, पंजाब की टीम में था मैं, तो उस टाइम बेस प्राइस 10 लाख रुपये होता, तो मतलब 10 लाख रुपये, मतलब उससे पहले मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो हालात ठीक हो गए थे घर के, तो इतना कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो पैसा आता था, जितना कट जाता वो उतर चुका था, मतलब 10 लाख उस टाइम मतलब बहुत होते, 2017 की बात है। तो उससे काफ़ी चीज़ें मतलब कवर हो गई, कि थोड़ा बहुत जो कट जाता वो उतर गया। फिर सबसे मतलब बड़ा मोमेंट आया जब मैं KKR में पिक हुआ 80 लाख में, तो मतलब इतना पैसा तो हमारी फैमिली ने कभी देखा नहीं था, तो जैसे सारी दिक्कतें दूर हो गई उन 80 लाख रुपए से। घर बन गया, दो घर बन गए फैमिली के लिए, तो सारी दिक्कतें एकदम। कहाँ पर बनाएगा ये घर? पे वहाँ अलीगढ़ में। तो जी, तो 80 लाख वाला जो मोमेंट था वो आपके लिए मतलब पहला टर्निंग पॉइंट आपके लिए वही था जिंदगी में? जी हाँ, वही था, क्योंकि ऑक्शन चल रहा था उस टाइम, तो सभी लोग देखे, मैं घर पर था, पूरी फैमिली घर पर थी, तो मतलब उस टाइम लाइट चली गई थी, तो मैं अपने फ़ोन में देख रहा था, तो बड़ा काफ़ी अच्छा लगा था। फ़ोन में आपने देखा 80 लाख में मैं पिक हो गया हूँ, घर पर क्या रिएक्शन था? तो उछल पड़े हो? नहीं, काफ़ी खुश थे घर वाले, क्योंकि मेरे जैसे बताया कोई इतना पैसा देगा नहीं है हमारे मतलब मेरी फैमिली में किसी ने भी, तो बहुत बड़ा अमाउंट था सर मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, तो उन पैसों से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो आपने अपने अलीगढ़ में ही एक अकेडमी भी शुरू की है? अकेडमी है मतलब हमारे भैया का ग्राउंड है जो अर्जुन सिंह वगैरह, मगर हमने अभी हॉस्टल बनाया बच्चों के लिए। हाँ। तो मिलकर साथ में पैसे जो जितने का भी बनाया, आधे आधे पैसे करके हम दोनों ने मतलब हॉस्टल बनाया। ये बहुत कम होता है कि मतलब इतने स्टार्टिंग लेवल में भी आप दूसरे बच्चों के लिए सोच रहे हो। अभी तो आपने अभी तो स्टार्टिंग हुई है आपकी। एक होता है यार पैसे बचाओ, अभी बैंक अकाउंट बढ़ाओ, अपना देखो बस, लेकिन आप उन दूसरे बच्चों के लिए देख रहे हो जो आपकी तरह थोड़ा सा अभाव में रहे और उनको चीज़ें नहीं मिली, तो आप उनको देना चाह रहे हो। ये कि सर मतलब जो मैंने दिक्कतें देखी हैं और ना देखे, कुछ जो गरीब बच्चे हैं वो कर नहीं पाते, मतलब घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते, इसके चक्कर में जो टैलेंट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मतलब अपने बच्चों को जो अच्छा खेलता है उसे मतलब सपोर्ट करें और आगे खेलने की। तो हॉस्टल में सब कुछ बच्चों के लिए कैसे मैनेज? बच्चों के लिए सब कुछ है, मतलब 14 कमरे भरवाए हुए हैं, तो रहते हैं लोग, कैंटीन वैंटीन सब है वहाँ, ग्राउंड अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो सबसे भी ध्यान दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इंडियन क्रिकेट में जब आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा रिएक्शन था घर पे, क्या किसने बोला, और उसके बाद जब आप ड्रेसिंग रूम सबसे पहले गए, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, पहले तो सर मेरा एशियन गेम में हुआ था। हाँ। तो वो बहुत मतलब खुशी की बात थी इंडियन टीम में। तो फिर कुछ दिनों बाद फिर आयरलैंड की टीम निकली, तो मैं नोएडा में था दोस्तों के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने मम्मी को बताया कि टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया, तो वो भी खुश थी। तो ये था कि सर दोस्त भी आसपास थे और मम्मी को भी वीडियो कॉल करी, तो सारे लोग खुश थे। और जब मैं गया फर्स्ट टाइम टीम मतलब कैंप वैम लगा, लोगों के साथ मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं वैसे तो लोगों को जानता हूँ पहले से, तो इतना कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं मुंबई गया, फिर मुंबई से हम आयरलैंड जा रहे थे, तो फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट क्लास में बैठा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आठ घंटे लगे थे मतलब आयरलैंड पहुँचने में, तो इतना मतलब पता ही नहीं चला कब पहुँच गए, इतना वो था फर्स्ट क्लास में अच्छा। तो फिर प्रैक्टिस सेशन हुआ पहला, तो काफ़ी अच्छा लगा। बुमराह भाई आए, तो उनसे मिला, सारी टीम से मिला, कोच वोच से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब मैं फर्स्ट मैच खेला, थोड़ा बहुत नर्वस था सर, वो इंडिया का अलग प्रेशर होता, थोड़ा बहुत मैं फील्डिंग में नर्वस था थोड़ा बहुत, तो वो धीरे धीरे करके वो सारी नर्वसनेस सारी दूर हो गई थी। अच्छा, बुमराह की आपने बात की, मैंने देखा, हम लोग यहाँ से जो नोटिस कर रहे थे कि किसी से भी कुछ मिसफील्ड हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, तो बुमराह जाकर बात कर रहे थे, बैक कर रहे थे। एज अ कैप्टन
क्या कहेंगे आप उमरा को? नहीं, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा लगा उनकी कप्तानी में खेल के, मतलब वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे कि वो ऐसा नहीं महसूस होने देते कि मेरा पहला टूर है, वही कह रहे थे तुम इंजॉय कर जैसा आईपीएल में खेलता है वैसा कर, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तेरे लिए बड़ी चीज़ है, मतलब नॉर्मल है जैसे खेलता है आईपीएल में, फील्डिंग करता है बैटिंग करता है वैसी रहे, तो काफ़ी सपोर्ट किया था भैया। और जब आपने पहली पारी में टीम इंडिया के लिए वो आखिरी पांच गेंदों पर जो 23 रन बनाए, 3 छक्के 1 चौका, वो अचानक से जो गियर आपने बदला, और देखिए आखिरी में टीम इंडिया जीत भी उसी वजह से पाई, वो उसके बाद क्या हुआ, ड्रेसिंग रूम में आप गए, किसने क्या बोला, कुछ उसकी कहानी? नहीं, काफ़ी मतलब लोग खुश थे, मतलब उससे पहले मैं 15 बॉल 15 रन पे था, हाँ तो मैं यही सोच रहा था कि मैं जब जो आईपीएल में किया लास्ट के ओवरों में तो वही करता हूँ कि बिलीव रखता हूँ अपने अंदर और लास्ट के ओवर में चार्ज करता हूँ, वही हुआ। फिर 2 ओवर में मतलब सारा कवर हो गया, 21 बॉल 38 रन, तो 2 बॉल पहले मैं आउट हो गया, तो फिर मैं ड्रेसिंग रूम में गया, लोगों ने अच्छा बोला वेल प्लेड, ये पहला मैच था, मतलब ऐसा होता ना कि पहला मैच में ऐसे मतलब बैटिंग करना, तो अच्छा लोगों को अच्छा लगा था। बिल्कुल जी, ड्रीम डेब्यू था एक तरीके से आपके लिए, क्या सब यही सोचते हैं कि टीम इंडिया को मैच से मैच जीता हूँ?